हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ नीरव सोरठिया फ्रॉम श्री कोचिंग क्लासेस वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, अंटिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्रिसेस इन मैथ्स सब्जेक्ट। क्लियर? अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैथ्स में, दैट इज चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव watched that video, clear? My previous videos, clear? And those students who have not watched that video lectures of chapter number 3, please do watch it, clear? Very very important chapter. Okay, सो अब मैथ्स का एक चैप्टर कर लिया हमने, ठीक है। तो चलो, आज मैंने सोचा कि एक नए सब्जेक्ट पे वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्लियर। सो फॉर दैट टुडे आई हैव सिलेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। एंड इन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाई द सर इज टेकिंग द चैप्टर्स इन नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस, व्हाई द सर इज नॉट टेकिंग चैप्टर नंबर 1। द रीजन इज दैट द चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इज द चैप्टर दैट यू हैव लर्न्ड इन 10th स्टैंडर्ड। क्लियर? जो चैप्टर नंबर 3 था, हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, उसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिए, आपको याद ही होंगे। इसलिए से वही रीजन है कि ये चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा वो रिवाइज होगा तो ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इजी चैप्टर है, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, एंड वन मोर थिंग, जैसे फिजिक्स का नाम आता है तो बच्चे बेचारे डर जाते हैं कि कितना हार्ड सब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा है। क्लियर? बहुत सारे डेरिवेशंस आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, बट कुछ हार्ड नहीं है। क्लियर? मैंने थोड़े फनी फुल फॉर्म्स तैयार किए आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो टेंशन है रिगार्डिंग फिजिक्स वो दूर हो जाएगी। सो देखो, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स सब्जेक्ट आता है तो डर जाते हैं कि भाई कितना हार्ड सब्जेक्ट है, एकदम नेगेटिव इंप्रेशन आ जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में, ठीक है? नेगेटिव अप्रोच होता है। फिजिक्स का फुल फॉर्म क्या है, जो नेगेटिव अप्रोच में यू कैन सी पढ़ाई है यार, सिंपल इतनी कहाँ से। क्लियर? देख सकते हो PHYSICS, दैट इज फिजिक्स। क्या है? पढ़ाई है यार, सिंपल इतनी कहाँ से। इतनी सिंपल नहीं है फिजिक्स। कोई कोई बच्चे क्या फुल फॉर्म बना सकते हैं, क्लियर, कि पढ़ाई है यार, साथ इतना कष्ट सहेंगे। क्लियर? इतना कष्ट है फिजिक्स में कि हम सह लेंगे। देख सकते हो, पढ़ाई है यार, साथ इतना कष्ट सह लेंगे। क्लियर? तो बच्चे ये नेगेटिव अप्रोच लेके बैठ जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इंप्रेशन उसके माइंड में बन जाती है कि इतना हार्ड सब्जेक्ट है, क्लियर, कष्ट है इतना, इतनी सिंपल नहीं है। बट मैं बोलता हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच आप बनाइए अपने माइंड में, क्लियर, तो एकदम इजी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे ले जाने के लिए, उसका एक पॉजिटिव फुल फॉर्म बनाया है। देख लो, फिजिक्स का ही, पढ़ाई है यार, सिंपल इतना चैलेंज स्वीकार। ये जो पढ़ाई है, इतना सिंपल सा चैलेंज है, वो हमें स्वीकार है। देख लो, पढ़ाई है यार, सिंपल इतना चैलेंज स्वीकार। एक और फुल फॉर्म देख लो, वो भी आपका शायद कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे हाई लेवल पे। पढ़कर हम यार सब इतना क्रिएटिव सोचेंगे, क्लियर, फिजिक्स हम पढ़ के सब क्रिएटिव सोचेंगे। पढ़कर हम यार सब इतना क्रिएटिव सोचेंगे। सो आई होप ये जो लास्ट के फुल फॉर्म थे, क्लियर, वो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम हाई लेवल पे लेके जाएंगे, और फिजिक्स आप अच्छी तरह से एकदम इंटरेस्ट उसमें लोगे तो आपको अच्छी तरह से वो समझ आएगा, ठीक है? उसके सिवाय एक और मैंने कहीं पे एक मोटो जैसे पढ़ा था, क्लियर, बहुत मुझे अच्छा लगा। चलो बता ही दूं, फिजिक्स के रिलेटेड है। क्लियर? कि फिजिक्स क्या बोलता है, फिजिक्स बोलता है कि बी लाइक अ प्रोटोन, बी लाइक अ प्रोटोन दैट इज ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। क्या बोलता है फिजिक्स? बी लाइक अ प्रोटोन, प्रोटोन जैसा बनो। क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक? ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, प्रोटोन हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप लोग भी ऐसे पॉजिटिव अप्रोच अपने माइंड में डेवलप करो, फिर ये देखो सब्जेक्ट एकदम इजी हो जाता है। क्लियर? ओके ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि जो हमने फुल फॉर्म पढ़े वो अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है? तो चलो, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव टू द चैप्टर। क्लियर? सो द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट 1। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन। क्लियर? सो इन दैट
See, the topic is charges. You know about the charges, that is positive charge, proton, and negative charge, that is electron. Clear? चार्ज पढ़ने तो दो ही चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रॉन है दैट इज न्यूट्रल. क्लियर? तो हमें दो ही चार्ज पढ़ने हैं. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड पॉइंट, फ्री चार्जेस. रिमेंबर द थिंग, फ्री चार्जेस व्हिच आर इन मोशन प्रोड्यूसेस द करंट. करंट हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि स्विच ऑन करो, फैन स्टार्ट हो जाता है, ट्यूबलाइट जलने लगती है, बल्ब जलने लगता है. तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल आंसर बोलेंगे कि सर, जैसे स्विच ऑन करते हो तो उसमें से करंट फ्लो होता है. सिंपल, बल्ब जला, फैन चल गया. बट भाई, वो करंट है वो कहाँ से आया? वो सोचा कभी करंट कैसे बना? तो देखो, ऐसे बनता है, फ्री चार्ज विच आर इन मोशन, ऐसे चार्जेस. क्लियर? उसमें चार्जेस में कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट कैसा होना चाहिए? फ्री एंड इन मोशन. वो चार्ज है वो कंटिन्यूस मूवमेंट करना चाहिए, कैसे भी मूवमेंट. देन एंड ओनली देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. स्टेशनरी चार्ज होगा रेस्ट पे तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा. डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेम मींस दैट फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस द करंट. तो जैसे मैंने बोला, करंट प्रोड्यूस करना हो तो उसका फ्लो होना चाहिए. क्लियर? अब वो डिपेंड करता है कि कंटिन्यूस फ्लो है कि नॉन कंटिन्यूस, थोड़ी देर मोशन करके रुक जाता है, तो फिर उस हिसाब से करंट मिलेगा. क्लियर? पता चल रहा है? तो 10th में पढ़ा है कि करंट कैसे मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें सर्किट में फ्लो होते हैं. तो कभी ऐसे नहीं होता है कि चलो भैया, एक वायर काट दिया, स्विच ऑन कर दी, और नीचे बकेट रख दी, और वायर बकेट में रख दिया. तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए और बकेट में इतनी इकट्ठे हो गए. अब वो बकेट में बेच, वो बकेट है वो मैं बेच के आता हूँ, चलो मार्केट में इलेक्ट्रॉन इतने भर गए उसमें, उसके मुझे पैसे मिलेंगे. नहीं होता है. होता है ऐसे? कभी नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन एकदम माइन्यूट है, हमें नहीं दिखेंगे. क्लियर? वो सर्किट में अंदर कंटिन्यूस घूमते रहेंगे. सो क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करंट प्रोड्यूस करना है तो क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वॉट एवर. सो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लो ऑफ चार्ज. टू टाइप्स. क्लियर? दो टाइप के फ्लो है, फर्स्ट स्टेडी फ्लो एंड सेकेंड अनस्टेडी फ्लो. द नेम सजेस्ट, नाम पे से पता चल जा रहा है, स्टेडी फ्लो द फ्लो इन विच इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो इन इक्वल टाइम इंटरवल. ऐसा फ्लो जिसमें इक्वल चार्जेस इक्वल टाइम में फ्लो रहे, मतलब 1 सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे तो दूसरी 1 सेकेंड में भी 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे. मतलब रेट सेम है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इज सेम. देन दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो एंड इन डेफिनेट पैटर्न. उसकी पैटर्न भी डेफिनेट होगी, एकदम ऐसे डेफिनेट पैटर्न में. क्लियर? फॉलो करेंगे, जैसे स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं प्रेयर के टाइम एकदम लाइन में. क्लियर? या आर्मी के जो जवान होते हैं, सोल्जर्स, कैसे परेड करते हैं, देखा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में. ऐसा फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. क्लियर? इजी है एग्जाम्पल. फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, पाइप में से पानी फ्लो होता है, कितना एकदम स्मूथली फ्लो होता है. और इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्लोइंग इन इक्वल टाइम, दैट इज स्टेडी फ्लो. वन मोर, क्लॉक वर्किंग ऑन सेल. अब ये थोड़ा सोचोगे कि क्लॉक वर्किंग ऑन सेल वो कैसे हुआ, स्टेडी फ्लो. तो थोड़ा डीप में जाओ. क्लॉक है वो किसके ऊपर वर्क करता है? सेल के ऊपर. सेल क्या करेगा? करंट प्रोवाइड करेगा. क्लियर? क्लॉक को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे. कब तक? जब तक सेल खत्म नहीं हो जाता. तो तब तक तो फ्लो कैसा हुआ? स्टेडी फ्लो हुआ. ठीक है, स्टेडी फ्लो इसका ऑपोजिट, द फ्लो इन विच इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस डज नॉट फ्लो इन इक्वल टाइम इंटरवल. उसमें फिक्स नहीं होता है कि चलो पहले 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, दूसरी सेकंड में 3 हुए, तीसरी सेकंड में 1 हुआ. मतलब कुछ फिक्स नहीं है, इक्वल पैटर्न फॉलो नहीं हो रही है. एंड ऑल्सो इन रैंडम मैनर, इसके जैसे नहीं एकदम स्ट्रेट लाइन में फ्लो रहे, रैंडम मैनर. कोई एक मान लो ऐसे नॉर्थ जा रहा है, दूसरा साउथ जा रहा है, क्लियर, तीसरा इस तरफ जा रहा है, चौथा इस तरफ जा रहा है, जिगजैग पैटर्न में फ्लो रहे, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो. सो डाउट क्लियर हो इतना? बेस्ट एग्जाम्पल लाइटनिंग ड्यूरिंग मॉनसून. देखा होगा सबने, बिजली होती है एकदम कड़ाके से, क्लियर, आसमानों से. देखिए कैसे होती है, फ्लो कैसा होता है, उसका कुछ इंटरवल फिक्स होता है, एकदम कभी कभी हाई हो जाती है, कभी लो लाइटनिंग होती है. और उसकी डायरेक्शन भी देखना. हाँ, दे बोलोगे कि नीचे की तरफ फ्लो होती है, बट ऐसे भी स्प्रेड होती है चारों तरफ, मतलब इट इज नॉट फिक्स्ड रैंडम मैनर. सो इट इज अनस्टेडी फ्लो. और ये लाइटनिंग कैसे पूरी प्रोसेस होती है, क्लियर, उसमें कैसे क्यों क्या प्रोसेस हुई कि लाइटनिंग इतनी बिजली इतने कड़ाके से गिरती है, इतना हाई टेम्परेचर और सबको जला देती है अगर किसी पे गिरती है तो.
ये पूरी प्रोसेस हमें वीडियो थ्रू लास्ट में अंडरस्टैंड करनी, इस पे मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है दैट हाउ लाइटनिंग ऑकर्स। चलो इतना क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो हमने अनस्टेडी फ्लो में एक एग्जांपल देखा था दैट इज लाइटनिंग, जो बिजली होती है, ठीक है। और मैंने बोला था कि उस पे हम एक वीडियो लेक्चर, उस पे एक वीडियो छोटा सा देखेंगे कि कैसे वो बिजली, कैसे लाइटनिंग पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो चलो हम एक वीडियो थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरी ये प्रोसेस कैसे होती है क्लाउड्स में, ठीक The है। clouds moving in the air acquire electric charge because of friction between the cloud particles and the air particles and the friction between the particles in the cloud. The positive charges accumulate near the upper edges of the cloud and the negative charges accumulate near the lower edges. Positive charges get accumulated near the ground also. As air is poor conductor, charges cannot flow and keep accumulating. When too much of charges get accumulated, air cannot resist their flow. Negative and positive charges meet, producing streaks of bright light and sound. We see streaks as lightning. The process is called an electric discharge. This discharge of static electricity can take place between two charge regions of the same cloud or different cloud or even between cloud and earth. Now that we understand the basic phenomenon, we are not scared of lightning as the people in the ancient times used to be. However, lightning strike could easily destroy life and property. So, we need to take some safety measures to avoid these incidents. You know, a metallic rod taller than the building is installed in the building during construction. One end of the rod is buried deep into the earth. That rod transfers the electric charges to the ground during lightning. This is called lightning conductor. As a precautionary measure, don't go out in lightning and thunderstorm. If you are outside, rush to a safer place. After hearing the last thunder, wait for some more time before coming out of the safe place. Open places, open cars like tractors, motorbikes are not safe. Don't carry umbrella with pointed cap. A house or a building is a safe place. If you are traveling by car or by bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. If you are near forest, take shelter under short trees only, not under big tall trees like coconut, etc., because lightning strikes taller trees in the forest. In case you are in an open space with no shelter, stay away from trees, poles, etc. Squat low on ground like this with head between the knees. This position will make you the smallest target to be struck. To save your electrical appliances, unplug them. Stay away from the telephone wire, metal pipe, electric wire, because lightning, as we know, is electrical discharge. So now you understand what is lightning and how to protect yourself from lightning. The process of electric discharge between clouds and the earth or between different clouds causes lightning. Lightning strike could destroy life and property. Lightning conductors can protect buildings from the effects of lightning. So, take enough precautions during thunderstorm and lightning. ओके फ्रेंड्स, सो चार्जेस का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कितने सालों से सुनते हैं, ठीक है, कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स।
वो डेफिनेशन सही है, बट अब 12th में आ गए हो, ठीक है, तो थोड़ा डीप में सोचना होगा, डीप में डेफिनेशन बनानी होगी। चलो पहले देखते हैं वन बाय वन, फिर लास्ट में डेफिनेशन आएगी। क्या पढ़ा हमने? कब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, कब करंट प्रोड्यूस होगा? जब कोई भी चार्ज है वो मूवमेंट में आएगा, फ्लो होगा। मान लो कि अब तुम लोग के पास चार्ज है, वो स्टेशनरी है, मतलब खड़ा हुआ है, मोशन में नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, सिंपल सी बात। तब उसको मूव कैसे करना है, कैसे उसकी मूवमेंट करनी है? तो सिंपल, इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज मूवमेंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कोई भी चार्ज पड़ा है मान लो, सिंपल सा इधर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अब वो स्टेशनरी है, इसको मूवमेंट करानी है, तो क्या कर दो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर एक प्लेट रख दो, इधर एक प्लेट रख दो, इसको कि क्या करो, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर कनेक्ट करो, सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव। तो पढ़ गए हो, लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन बताओ किस तरफ मूवमेंट करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूवमेंट की मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, इधर से इधर जाएगा, फिर पूरी सर्किट में फ्लो होगा, दस इट विल प्रोड्यूस करंट। वो हमने पढ़ लिया 10th में, सर्किट क्लोज्ड होगी तो ही करंट फ्लो होगा, याद है ना? तो सिंपल सी बात है, कोई भी चार्ज को स्टेशनरी से मूवमेंट उसको करवानी है तो क्या करो, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इन शॉर्ट, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल, दोनों तरफ उसके चार्जेस एडजस्ट कर दो, क्लियर, लगा दो ऑपोजिट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लियर, डाउट? ये तो मेथड एक याद रख लेना, ठीक है, ओके। सो सी नेक्स्ट, इन नेचर फ्री चार्ज पार्टिकल्स अकर ओनली एंड ओनली इन आयोनोस्फीयर, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा था, फ्री चार्ज होनी चाहिए तो ये मूवमेंट करेंगे, बट हमारे पूरे जो अर्थ पे, क्लियर, फ्री चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ के देखने को मिलते हैं हमें, इन आयोनोस्फीयर। अब ये अच्छी तरह से याद रख लेना, क्लियर, JEE या ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगी उसमें पूछ सकते हैं। आयोनोस्फीयर मीन्स द लेयर ऑफ अर्थ अबोव द एटमोस्फियर, उसकी रेंज ऐसे कुछ है 60 to 1000 किलोमीटर, जो ये जो इतना इतनी लेयर है हमारे अर्थ के सरफेस से, क्लियर, ऊपर ऊपर जाओ एल्टीट्यूड कितना, 60 to 1000 किलोमीटर, ये जो पूरा बैंड है, पूरी लेयर, इसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर। ये आयोनोस्फीयर में क्या होंगे, आप लोगों को फ्री चार्जेस दैट इज फ्री आयन्स मिलेंगे, आयन्स दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लियर। वो क्यों मिलेंगे, तो वो इसलिए ये जो आयोनोस्फीयर है, क्लियर, उस पे जो सन की रेज है वो सबसे ज्यादा गिरेगी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा आयोनोस्फीयर में, उसकी वजह से क्या होगा, उधर गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स, उस पे इतनी ज्यादा हीट गिरेगी कि वो पार्टिकल्स होंगे एटम्स, क्लियर, वो ब्रेकअप हो जाएंगे, उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल स्प्लिट अप हो जाएंगे, मतलब वो फ्री फॉर्म में आपको मिलेंगे, कहाँ पे, आयोनोस्फीयर में, प्लाज्मा बोल सकते हो आप, क्लियर। सन है, सन के अंदर क्या है, प्लाज्मा है, याद है ना, थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, फोर्थ स्टेट इज द प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट इज द फोर्थ स्टेट, दैट इज आयोनाइजेशन से बनता है, जो हमारी ट्यूबलाइट है, क्लियर, उसमें क्या होता है, व्हाइट ट्यूबलाइट होती है, प्लाज्मा फॉर्म होता है, क्लियर, गैस फील होता है अंदर, आप करंट पास करते हो, करंट इतनी हाई वोल्टेज से करंट मिलता है, तो अंदर गैस होगा, वो क्या होगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे, आयोनाइजेशन होगा, आयंस बनेंगे, इसलिए ट्यूबलाइट हमें इतनी लाइट प्रोवाइड करेगी, दैट इज प्लाज्मा। सन में भी क्या है, प्लाज्मा है, इसलिए तो वो हमें इतनी हीट और लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आयोनोस्फीयर में भी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा, दैट इज फ्री आयंस, क्लियर, रेंज याद रख लेना। उसके सिवाय आयनोस्फीयर का यूज क्या है, तो आयनोस्फीयर क्या करेगा, सबने रेडियोस देखे हैं, क्लियर, अब रेडियो कैसे वर्क करते हैं, जैसे मान लो कि रेडियो मिर्ची है, क्लियर, उसके चैनल्स होते हैं रेडियो के, सॉन्ग सुनने आपको या कुछ भी न्यूज सुननी है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी पे सेट करना होता है ना, उसके सिग्नल्स आते हैं, क्लियर, तो वो वहां बैठा बैठा एक उसका सर्वर है, स्टेशन है, रेडियो सिग्नल, वो वहां से रेडियो सिग्नल हमें भेजता है, हमारे रेडियो में वो सिग्नल इतना दूर से उधर से सिग्नल सिग्नल आया, तो मान लो कैसे रिसीव होता है, तो उसके लिए आयोनोस्फीयर यूज होता है, क्लियर। आयोनोस्फीयर में क्या हमने पढ़ा, प्लाज्मा होगा मतलब फ्री आयंस होंगे, तो वो रेडियो सिग्नल वाले आयोनोस्फीयर में सिग्नल सेंड होंगे, वहां से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे तक पहुंच के, हमारे रेडियो तक, क्लियर, तो यूज पता चल गया।
आयनोस्फीयर इज यूज्ड टू सेंड द रेडियो सिग्नल्स। डाउट इसमें क्लियर, ये याद रख लेना। ओके सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नोट करते जाना साथ में अगर जरूर है तो, ठीक है। ओके तो हमने क्या पढ़ा, फ्री पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आयनोस्फीयर में, बट हमें करंट बनाना है, करंट प्रोड्यूस करना है, तो फ्री चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। तो क्या करेंगे अब, बट इन एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो एटम मॉलिक्यूल से बना है, एटम और मॉलिक्यूल में क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर बाउंड टू ईच अदर एंड नॉट फ्री। वो हमें पता है, एटम है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस में, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पकड़े हुए, इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं सकेगा, कब तक, जब तक तुम लोग बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, मतलब स्टेबल फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्प्लिट अप नहीं होंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात। तो हमें क्या करना है, वो चार्जेस है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उसको फ्री करना है, तो क्या करेंगे, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दिस चार्जेस बिकम्स फ्री। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मैंने अभी बोला क्लियर, दिस चार्ज बिकम फ्री टू मूव एंड फाइनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। तो कभी भी चार्जेस को स्प्लिट करके मूव करना है तो करंट उस पे फील्ड लगाओ, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो याद रख लेना, ऐसे सब्सटेंस जिसमें चार्ज तो होते हैं बट वो क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं होते, मतलब मूवमेंट नहीं करते, तो उस उधर क्या करोगे आप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट इज फील्ड लगा दोगे दोनों तरफ से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अंदर चार्जेस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और करंट प्रोड्यूस होगा, करंट पूरे कंडक्टर में से फ्लो हुआ, वो जो भी सब्सटेंस उसमें से फ्लो हुआ, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कंडक्टर। अब पता चली डिटेल में डेफिनेशन कंडक्टर की, तो इसका ऑपोजिट इंसुलेटर में क्या होगा, आप लोग करंट पास करोगे बट अंदर के चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर प्रोटोन इलेक्ट्रॉन सब होगा बट वो मूवमेंट नहीं करेंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे, मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए अंदर से करंट पास नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्लियर। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब पता चला पूरा अच्छी तरह से, ओके सो बेसिकली कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन सॉलिड कंडक्टर, जो भी हमारे वायर्स है क्लियर, कॉपर का वायर, आयरन का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, मेटल सारे, उसमें से करंट पास होता है, दैट इज सॉलिड कंडक्टर्स। उसमें उसके उसमें किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं। एंड सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, आपने पढ़े कितने 10th में, कुछ सॉल्यूशन होता है उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, और बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ये लिक्विड जो भरा हुआ होता है वो उसमें बीकर में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मूव, तो डिफरेंस याद रख लेना क्लियर। सॉलिड कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ शोज द मूवमेंट। डाउट इसके बाद जो भी टॉपिक्स है उसमें हमें किस पे स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं, वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया डाउट।